आज 1 जुलाई से तीन नए कानून लागू हो गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता और किस तरीके से आती है, किसी प्रकार का अपराध घटित होता है तो आप थाने में जाकर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ताकि पब्लिक जनता को जानकारी हो सके कि हमारे जो आईपीसी या सीआरपीसी एविडेंस आज से तवकनी नहीं है और नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। केस को मिला नए कानून, अब पीड़ित को मिलेगा जल्द न्याय। देश भर में 1 जुलाई से लागू हुआ नए कानून अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानून में हुए बदलाव। इन नए कानून के लागू होने पर प्रशासन के द्वारा जिले में नुक्कड़ मंच सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया और इन नए कानून से अवगत कराया गया कि कार्यक्रम में कानून के जानकारों ने भी शिरकत की और आम जनमानस को बताने का काम किया गया। अब लोगों को नए कानून के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। पीएनएसएस में धारा 173 के अंतर्गत अब आप यदि आपके समक्ष में कोई समस्या आती है, किसी प्रकार का अपराध घटित होता है तो आप थाने में जाकर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जिसमें कि आप ईमेल कर सकते हैं, जो थाने के निर्धारित ईमेल हैं या जो निर्धारित उनके नंबर हैं उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो निर्धारित प्रदेश सरकार द्वारा ये आदेश किया गया था कि चूंकि आज 1 जुलाई 2024 से नए कानून प्रवर्तन में आ रहे हैं, इस संबंध में पब्लिक को जागरूक किया जाए। उस संबंध में यहाँ मानस में कार्यक्रम रखा गया था ताकि पब्लिक जनता को यह जानकारी हो सके कि हमारे जो आईपीसी या सीआरपीसी एविडेंस है आज से तवकनी नहीं है और नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। इसी इन्हीं कानूनों की जानकारी के संबंध में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था और पब्लिक को जानकारी दी गई इस संबंध में। इसमें कलेक्टर सर भी आए थे, एडिशनल एसपी साहब और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण सब उपस्थित थे। उनके द्वारा जानकारी दी गई कि जो कानून है ये क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए हैं और इनसे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, यही जानकारी देने का हमारे द्वारा प्रयास किया गया है। और ये कार्यशालाएँ समय समय पर आयोजित होती रहेंगी क्योंकि किसी भी कानून या प्रक्रिया के संबंध में एक दिन में या एक घंटे में जानकारी देना संभव नहीं है, इसलिए सरकार द्वारा इनको नियमित रूप से चलाया जाएगा ताकि पब्लिक। आज 1 जुलाई से नए कानून लागू हो गए हैं और निश्चय ही पुलिस और शासन और न्याय प्रणाली पूरी सभी के लिए थोड़ा सा समय लगेगा कानूनों को समझने में। हालांकि कई कार्यशालाएँ इसमें आयोजित हुई हैं, हम लोग करीब 6 महीने से इस कानून को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं और पूरा कॉन्स्टेबल से लेके ऊपर के सभी अधिकारियों की कई बार इसमें प्रशिक्षण हो चुका है। इसमें अहम नागरिक को क्या लाभ मिलेगा इस तरीके से अंक की गलती बदलने से या धाराएँ नई लागू होने? इसमें कई प्रावधान हैं जो नए लागू किए गए हैं और उससे पब्लिक को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि पहले जो साक्ष्य हैं वो सामान्य रूप से एकत्रित होते थे, अब उनकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। पब्लिक को अब जो FIR की कॉपी है वो निःशुल्क दी जाएगी। इसके अलावा जो कोई भी दुर्घटना, मतलब किसी घटना कोई होती है, आपराधिक घटना कोई होती है, उसमें पीड़ित जो व्यक्ति है उसका उसको मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान किया गया है। और जो किसी पीड़िता के साथ कोई घटना होती है तो 24 घंटे के अंदर इसमें मेडिकल कराया जाना अनिवार्य किया गया है और साथ ही चिकित्सकों पर भी ये पाबंदी लगाई गई है कि 7 दिन के अंदर वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस प्रकार से काफ़ी प्रक्रियाओं का तेजीकरण होगा और न्याय जल्दी मिल जाता है। ऐसा FIR को लेकर अधिकतर पीड़ित दिखाई देते हैं कि हमारी FIR दर्ज नहीं की जाती है पुलिस के द्वारा, इसके लिए कोई प्रावधान आया है FIR? इसके लिए 2 प्रमुख प्रावधान लाए गए हैं। पहला है इसमें 0 की FIR,
इसका मतलब ये है कि आप किसी भी थाने में कोई भी प्रकरण दर्ज करा सकते हैं, चाहे वो किसी और थाने का या किसी और शहर का या किसी और प्रदेश का। तो अब आप वहाँ पर अपने FIR करा सकते हैं, वो FIR वहाँ दर्ज की जाएगी और FIR को फिर संबंधित थाने में उसको भेज दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और वहाँ उसकी विवेचना प्रारंभ होगा। ये एक अच्छा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक EFIR भी प्रारंभ की है, उसमें आप मोबाइल में MP कॉप करके ऐप है या फिर MP पुलिस की वेबसाइट है, उसमें जाकर आप अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं और उस शिकायत को दर्ज कराने के बाद 3 दिन के अंदर आपको संबंधित थाने में जाकर उस FIR की पुष्टि करनी होगी कि आप ही के द्वारा की गई है और हस्ताक्षर करने होंगे। उसके बाद जो FIR सामान्य FIR की तरह उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा, प्रक्रिया कार्रवाई की जाएगी।